मेहर जिले के बाणसागर डूब क्षेत्र में स्थित सारसी आइलैंड जो यहां आने वाले पर्यटकों को मालदीप लक्षद्वीप आइलैंड की तरह महसूस कराता है। इस आइलैंड का भ्रमण करने मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पहुंचे और भ्रमण करने के बाद आइलैंड पर नीम का पौधा रोपा। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने विंध्य क्षेत्र के सरसी आइलैंड के आवागमन को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि विंध्य क्षेत्र के अमरकंटक, बांधवगढ़, मैहर, मुकुंदपुर टाइगर सफारी जैसे अन्य पर्यटन स्थलों में आने जाने वाले पर्यटक भी सरसी आइलैंड में आए और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकें। साथ ही सरसी आइलैंड क्षेत्र में विचरण कर रहे गौ वंश विहार में गौवंश की सुरक्षा के लिए गौशालाएं बनाने के निर्देश भी डिप्टी सीएम ने दिए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सिरसा आइलैंड से बाणसागर जलाशय के रास्ते बोट से रामनगर के महर्षि मार्कंडेय आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष राम खिलावन कोल और जिला पंचायत वन समिति के सभापति हरीश कांत त्रिपाठी से मुलाकात की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।